हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पटनाइट्स किचन। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चना का सत्तू। तो सत्तू कैसे बनाते हैं, बहुत लोगों को नहीं आता है कि सत्तू घर पर कैसे बनाएं। इजीली मार्केट से ले आते हैं, तो चना का सत्तू बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जगह पे सत्तू मिलता भी नहीं है। ये बिहार का फेमस है सत्तू, तो जनरली बिहार में ही मिलता है, बिहार से बाहर नहीं मिलता है। तो चना का सत्तू बनाना बिल्कुल ही आसान है। इसका आप लिट्टी, सत्तू के पराठे, ये सारे कुछ बनते हैं, बहुत सारी रेसिपी बनती हैं। तो हमने भुने हुए चने लिए हैं 200 ग्राम और चना का ये जो आप देख सकते हैं, हमने भुना जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है ना, मैंने वही चने लिए हैं। और इसको अच्छे से हम हाथों से घुमा के चेक कर लेंगे और इसको सारा साफ़ कर लिए हैं छिलके को। तो ये देख सकते हैं, हमने आपको छिलका भी दिखा दिया, जो चना का ब्लैक वाला पार्ट्स होता है। तो बहुत सारा नहीं निकाला है, बस थोड़ा बहुत निकाला है, थोड़े बहुत रह भी गए हैं, क्योंकि ये पेट के लिए अच्छा होता है। चना का सत्तू पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप देखिए, एकदम साफ़ हो गया है चना हमारा। और चना के सत्तू को बहुत से रूप में खा सकते हैं हम लोग। और हम एक मिक्सर का जार लेंगे, नॉर्मली ज़्यादा बड़ा नहीं जार लेंगे, छोटा वाला जार में आसानी से पीस जाता है पाउडर फॉर्म में। तो जार में डाल दिए हमने चना को और इसको अब हम ब्लेंड कर देंगे और अच्छे से ये बारीक हो जाएगा। चना का सत्तू को आप इसका मोदक भी बना के खा सकते हैं, लड्डू भी बना के खा सकते हैं घी डाल करके और चीनी। और ये देखिए, चना का सत्तू जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चना के सत्तू को चना का पाउडर भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना पतला ये बारीक पाउडर फॉर्म में दिख रहा है एकदम। तब एक हम छन्नी लेंगे और उसमें हम डाल देंगे चना पाउडर को। इसको रोस्टेड ग्राम फ्लोर पाउडर भी बोलते हैं, चना का सत्तू बोलते हैं, चना पाउडर भी बोलते हैं, भुने हुआ चना का पाउडर। तो आप देखिए, ये रेसिपी कितना आसान है, इसे घर पर बना करके एकदम ताज़ा ताज़ा बनाइए और खाइए। मैं तो जब भी सत्तू के पराठे बनाने होते हैं लिट्टी, तो मैं एकदम फ्रेश फ्रेश बनाती हूँ और उसके बाद खाती हूँ, तो बहुत टेस्ट अच्छा आता है। तो आप चाहे तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होता है। आप 1 साल या 2 साल तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं एयर टाइट कंटेनर में। इसको हम अच्छे से छन्नी से छान लेंगे और जो इसका मोटा वाला भाग रह जाएगा उसको हम लोग हटा देंगे। तो छन्नी से इसको हम छान लेते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, सिंपल सी है। जब भी आपको सत्तू खाने का मन करे तो बस 2 मिनट में इसको बनाइए और सत्तू रेडी है। बस भुना हुआ चना रहना चाहिए घर पे। तो इसीलिए मैं इस रेसिपी को अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं आती है चना का सत्तू कैसे बनता है और बहुत सारे शहरों में मिलता भी नहीं है। जैसे हमारे पास नहीं मिलता है तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, ये मोटे मोटे दाने जो रह गए हैं तो इसको हम हटा लेंगे। इसको हम चना का पाउडर में इसको मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमारा जो चना पाउडर होगा एकदम दरदरा होगा। तो इसको हम हटा लेंगे, या आप चिड़ियों को दे सकते हैं, चिड़ियाँ खा जाएंगे मोटे वाले दाने को, या दोबारा आप इसको फिर से पीस करके फिर छानेंगे, छान सकते हैं। तो ये मोटे वाले दाने को मैं हटा दूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए कितना अच्छा से चना का सत्तू जो है रेडी हो चुका है। ये देखिए, देख रहे हैं ना, और कितना मतलब कलर भी अच्छा है एकदम येल्लो। और आपको हाथों से मैं आपको छू करके दिखा रही हूँ, मसल कर दिखा रही हूँ। देखिए, एकदम बारीक चना का सत्तू जो है बिल्कुल रेडी है, एकदम गर्मा गर्म सत्तू रेडी है। अब इसका आप जो भी बनाएं, सत्तू के पराठे बनाएं, लिट्टी बनाएं, या चना का मोदक बनाएं, चना सत्तू का मोदक भी बनता है ना, या चना के सत्तू का आप वो शरबत बना करके पिए, ठंड के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा है। ठंड में से आप किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो चना का सत्तू बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है और ये देखिए, कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको भी प्लेटिंग कर लिया है चना के सत्तू को, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है चना का सत्तू, एकदम येलो कलर में आया है ये। तो दोस्तों, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू एवरीवन।